जो लोग आए काफी कठिनाइयों में उन्होंने जीवन जिया है। 5 अगस्त 2019 के बाद उन्हें वास्तविक रूप से आज़ादी मिली, मालिकाना हक उन्हें मिले, इससे हमारा प्रशासन सहमत है। आगे कैसे इसको कानूनी जमा पहनाया जा सकता है ये हम लोग शीघ्र कराएंगे। सर सरकार की तरफ आज के इस भव्य कार्यक्रम के उपलक्ष्य में मैं सम्मान देना चाहूंगा जिनके कुशल नेत्री पाकिस्तान से आए शर्मा के प्रति हमेशा से आपकी स्वदेश संबंध में संवेदनशीलता और सेवा की भावना हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। और हम आपको आश्वस्त करना चाहेंगे कि आगे आयोजित होने वाला हर एक कैंप नए मापदंडों को छुएगा और सरकार द्वारा चलाई गई हर कल्याणकारी योजना हमारे इन भारतीय नागरिक मैं धन्यवाद इसके डेवलपमेंट काउंसिल श्री भारत भूषण जी का आज करने में अपना संपूर्ण सहयोग जम्मू श्री रमेश कुमार जी का एवं डीआईजी जम्मू श्री शक्ति पाठक जी का जिनके सतत मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम और आने वाले सभी कार्यक्रम इन्हीं की देखरेख में संपन्न हो रहे हैं। इस अवसर पर मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा अपने सारे डिपार्टमेंट जिन्होंने यहाँ आकर जनता को सरकार की विभिन्न योजनाओं का से अवगत कराया। विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे बीच आए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहयोगियों का जिनके प्रयासों से ऐसे कार्यक्रम की जान ली है। अंत में सबसे उपस्थित पश्चिम पाकिस्तान से आए शरणार्थी परिवार और उनके प्रेसिडेंट श्री की सरकार द्वारा आयोजित इस 10 दिन लंबे स्पेशल कैंप का लाभ उठाएंगे और माननीय उपराज्यपाल मैं सभी उपस्थित अतिथिगणों से निवेदन करता हूँ कि वे राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाए। पार्लियामेंट की आएगी जो असेंबली की आएगी उसमें इनको वोट डालने का अधिकार होगा और ये आज ये कह सकते हैं कि मैं जम्मू कश्मीर का बसिंदा हूँ, पहले ये नहीं कह सकते। माननीय आई जी साहब ये सही मायनों में जो 5 अगस्त 2019 को इनको आजादी मिली ये जश्न का माहौल है और बहुत सारी समस्या है, बहुत सालों से वो मुआवजा रुका हुआ है। मैं माननीय आई जी साहब आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि उसका उसको देखा जाए और मुआवजा किसानों का है जो जमीन का जमीनों का है वो लोगों को दिया जाए। बहुत सारी और भी समस्याएं हैं, कहीं पर माइनिंग हुई है, डी माइनिंग नहीं हुआ एरिया नहीं कर सकते, उसका भी मुआवजा दिया जाए ताकि लोगों को अपनी जमीन का मुआवजा। गाँव है बॉर्डर एरिया के जो गाँव है वहाँ पर आप पहुँचते हैं और लोगों की समस्या सुनते हैं और उनका हल भी करते हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और जो लोग यहाँ पर आए हैं उनका भी मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद जय भारत। रमेश कुमार जी, डीआईजी शक्ति पाठक जी, डिप्टी कमिश्नर जम्मू उपस्थित लंबाराम गांधी के मेंबर कोनी साहब, एलआईएस के सभी सम्मानित सदस्य, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी अधिकारी और इनके लिए पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए सहयोग देवियों सज्जनों और मित्रों, इंसान के जीवन में तारीखें बदलती रहती हैं, एक तारीख निकलती है और आदमी दूसरी तारीख का इंतजार करता है। जम्मू कश्मीर में दशकों से सामाजिक न्याय का
इंतजार कर रहे हैं। विशेष रूप से शरणार्थी समुदाय एवं वंचित वर्गों के लिए ठीक कहा गांधी जी ने, एक तारीख ऐसी है जिसे वो कभी भूल नहीं सकते। वो 5 अगस्त 2019 की तारीख है। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय किया और भेदभाव की व्यवस्था को समाप्त करके देश के अन्य नागरिकों को प्राप्त सभी अधिकार आप सबको सौंप दिए गए। मैं जानता हूं कि आपको न्याय मिलने में बहुत लंबा हो चुका है। आज़ादी 47 में मिली कश्मीर में बसे पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी परिवारों में इस कानून की आड़ में गुलामी की जंजीरों में वर्षों तक जकड़ा गया। इस अनुच्छेद की समाप्ति के बाद उन तमाम जंजीरों से आपको मुक्ति मिली है। ये अभियान जो आज शुरू हुआ है, ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इस बात को निर्देशित भी करते रहते हैं और इसके बारे में पूछताछ भी करते रहते हैं। हमारे रिलीफ कमिश्नर पूरी तरह से पवित्र है और पवित्र नियत से हम सब चाहते हैं कि आप इस समाज के बाकी लोगों से पीछे न रहें, निश्चित रूप से बराबर हों। और अब समय आ गया है जॉब सीकर की बजाय जॉब क्रिएटर देश का नौजवान बने। इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। पिछले 2 वर्षों में 6 लाख से ज्यादा नौजवान स्वरोजगार से जोड़ने में हमें सफलता मिली। जो सरकारी पद है उन्हें भी पारदर्शी तरीके से भरा जा रहा है। कुछ लोग बेचैन रहते हैं और कोशिश करते हैं कि इसे कैसे रोका जाए और रोज खड़ा किया जाए, लेकिन मैं आपके बीच फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ, योग्यता के अलावा कोई दूसरा कारण नियुक्ति का नहीं हो सकता। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से ढेर सारी बहनों को भी जोड़ने में सफलता मिली। वी बैक टू विलेज कोर का जो कार्यक्रम हुआ, मैं आपसे केवल इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि उससे नियत समझ में आई। ढेर सारे काम उसमें चिन्हित हुए थे। एक उसमें प्रमुख काम यह भी था कि हर पंचायत से 15 बेरोजगार नौजवान को विजिटिंग ऑफिसर से चिन्हित किया। 15 नौजवान चिन्हित हुए और एक महीने के अंदर जम्मू में हम लोगों ने एक दिन में, आप सब जानते हैं कि 4290 पंचायतें, अगर प्रति पंचायत 15 नौजवान चिन्हित करिए तो 62,000 लोग होंगे। एक दिन में 939 करोड़ रुपए 65,000 नौजवानों को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता देने में हमें सफलता मिली थी। आज फिर मैं इस समागम में भी कहना चाहता हूँ, जितने नौजवान अपना कुछ करना चाहते हैं, आपके सामने किसी एक नौजवान या किसी एक बहन को दिया गया है, लेकिन जितने इस तरह के लोग, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आप आगे आइए, आपको दिक्कत नहीं होगी। कुछ और भी बातें हमारे सामने रखी गई हैं, मैं कोशिश करूंगा कि जो संभव है कुछ चीजें राजनीतिक लोग मान के लिए मान कर कि लोग सुने कि मैंने ये माना, जानते हैं कि नहीं होना तो, और कुछ लोग भाषण कर देते हैं कि साहब ये हो जाएगा, मैं वही कहूंगा जो होगा। तो एक बात मैंने कही, जो जमीन आपको अलॉट की गई, मालिकाना हक नहीं मिला, वो निश्चित उपलब्ध कराई जा सके। जहां जहां ये परिवार हैं, विशेष शिविर लगाकर उनकी समस्याओं का निवारण, सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, ये कोशिश की जाएगी।
मुझे लगता है बीच में जाने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन कभी कभी बिना अतीत में झांके भविष्य की राह मुश्किल हो जाती है। इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता कि आपको दोहरे दर्जे के नागरिक के रूप में लंबे समय तक जीना पड़ा। भारत भूषण जी बता रहे हैं तो भारत के संविधान में अधिकार दिया है, तो विधानसभा का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, नगरीय निकाय के, इसमें आप भागीदारी नहीं कर सकते। राज्य सरकार की नौकरियों और विभिन्न योजनाओं से आप वंचित थे। प्रधानमंत्री जी ने संवेदना के साथ महसूस किया और आपको पहचान पत्र देकर माँ भारती की सेवा के लिए और सैनिक बलों ने का मार्ग प्रशस्त किया। जो मुआवजे की घोषणाएं भी जो हम लोग बैठे थे चर्चा हुई है, अभी बड़ी संख्या है जो मुआवजा नहीं ले सके। प्रशासन ये कोशिश करेगा कि उसका सरलीकरण करके नियमों के भीतर अधिक लोगों को दिया जा सकता है, राहत की रास पहुंचे। ये लक्ष्य है कि जो निर्देश ये काम जल्दी ही जम्मू कश्मीर प्रशासन कि आपको मालिकाना हक मिल जाए। जम्मू कश्मीर में पैसे की कमी कभी नहीं थी भारत सरकार की ओर से। अगर देश के बाकी राज्यों से तुलना करें तो अगर देश के बाकी राज्यों में 8,000 रुपये प्रति व्यक्ति जाता था तो जम्मू कश्मीर के प्रति व्यक्ति 28,000 रुपये भारत सरकार की नहीं थी। क्यों नहीं पहुंचता था उन कारणों में मैं नहीं जाना चाहता, उन कारणों को आप बेहतर जानते हैं। सच है कि 5 अगस्त के बाद स्थितियाँ बदली हैं। जो एक बड़ा अवरोध अवरोध के समाप्त होने के बाद जम्मू कश्मीर भारत के साथ पूरी तरह से इंटीग्रेट करे इसकी कोशिश हो रही है। देश के दूसरे हिस्सों में जो समाज के सामान्य नागरिक की आकांक्षा उसके अनुरूप जम्मू कश्मीर के नागरिकों की अपेक्षाएं भी आज बढ़ रही हैं। विकास का लाभ आपको मिले इसकी हर कोशिश की जाएगी। चित्र जाते हैं हमारी कोशिश होगी इन अवरोधों को कितनी सीमा तक कम किया जा सकता है ताकि लोग विकास की दौड़ें। आप सामाजिक आर्थिक विकास की मुख्यधारा से जुड़े नई पीढ़ी। कांग्रेस की सरकारें थी उनकी जो मानसिकता थी वो कश्मीरी हुक्मरानों के साथ जुड़ी थी और उसकी वजह से हमें कम से कम 70 साल जो है वो इंतज़ार करना पड़ा। हम तो शुक्रिया अदा करना चाहते हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर का कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और नरेंद्र मोदी जैसे अच्छे लीडर जो हैं वो भारत को मिले और उन्होंने अपने दृढ़ निश्चय से एक फैसला किया कि हमने इन लोगों के साथ जो पिछले 70 सालों से नाइंसाफी है उसको हमने दूर करना है। और उन्होंने 5 अगस्त 2019 को जब धारा 370 और 35 को ख़त्म किया और हमें जम्मू की जो मेन स्ट्रीम है, जम्मू की जो धारा है, जम्मू का नागरिक बनने का जो रास्ता था वो पूरा का पूरा साफ हुआ और हम जम्मू के नागरिक बने। देखिए कंपनसेशन की प्रतिक्रिया थोड़ी ढीली थी, आज हमने उसके लिए काफ़ी कंप्लेन की है और आज से जो फैसला हुआ है कि लगातार डे बाय डे कैंप जो हैं वो लगेंगे हर बस्तियों में और जितनी जल्दी होगा इसको 2024 तक कोशिश करें कि हर परिवार को वो पैसा वो मिल जाए। देखिए जब से हम जहाँ बैठे 1947 को हम वहाँ बैठे थे, जो ज़मीन जहाँ पे हमारे मकान वगैरह बने हैं वो आज भी हमारे नाम पे नहीं है, हमें कोई मालिकाना राइट्स नहीं है। तो उसके लिए भी हमने गवर्नमेंट से आज यहाँ LG साहब से कहा कि हमें मालिकाना जो राइट है वो जल्दी दिया जाए। वो आपने भी सुना कि उन्होंने वादा किया कि हम बहुत जल्दी इस मसले को हल करेंगे। देखिए अभी हमारे जो हैं सबके सब जो लोग हैं सबको वोटिंग राइट मिल चुका है, सबके वोट बन चुके हैं। आगे इलेक्शनें आएंगी, जब इलेक्शन आएगी उस समय क्या फैसला लेते हैं हमारे लोग वो उसी समय फैसला लेंगे।